वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं हम। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। आज क्या सीखें? रेजिन आर्ट जो मैं बता रही थी, और मुझे पता चला कि ये जो आर्ट मैं देख रही होती हूँ हर वक्त सोशल मीडिया पे, ये कितना इन है। और रेजिन कहते हैं इसको, लेकिन इस रेजिन का मतलब जो है वो किशमिश नहीं है। मैं जो है वो एक बार बहुत पहले हमारे पास आई थी, और हम जानना चाहते थे कि एक्चुअली यू नो कोई भी चीज़ अगर आपसे मिस हो गई हो रेजिन आर्ट पर सीखने में, तो हम आपको बताना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रबिया राजपूत, जो कि रेजिन आर्टिस्ट हैं। खूबसूरती बाय बिया के नाम से इनका पेज भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम फिर से जो है ना वो आपके साथ रेजिन आर्ट सीखेंगे। इससे पहले मैं दिखाना चाहती हूँ कि आप ये इतनी सारी जो चीज़ें लाई हैं, इसमें प्रोडक्ट्स की नेचर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यानी कि कोई इयररिंग्स हैं, यस, ये भी रेजिन आर्ट है, यस, बिल्कुल। और पीछे जो आपको इयररिंग्स के लिए किसी भी शॉप से मिलते हैं, स्टॉपर्स मिलते हैं, ठीक है। नहीं, ये जो इसकी जो स्टिक है, ये किस मटेरियल की है? ये मेटल की है। ये मेटल की है, ऊपर रेजिन आर्ट है। यू कैन सी सम ट्रेज, यहाँ पे आप ये कोस्टर्स देख सकते हैं, कार हैंग है। सो ब्यूटिफुल, यहाँ पे दिखाएं कितना खूबसूरत है ये सफ़र की दुआ रेजिन आर्ट में। की चेन्स हैं, बुक मार्क्स हैं, यहाँ बुक मार्क्स हैं। वाह, सो ब्यूटिफुल। अच्छा, ये किचन भी मैं दिखाना चाहती हूँ। मुझे ये भी बताइए रबिया कि अगर कोई आपसे ये खरीदना चाहता है, तो फॉर इंस्टेंस ये किचन, ये कितने की होगी? ये वाली, दिस इज फॉर 450 अराउंड। वाओ, और कितनी ये मेहनत वाला काम है। बेसिकली इट्स हैंड वर्क, यानी किसी इंसान ने लिटरली एक एक चीज़ जो है उसको मिक्स करके बनाया है। सो दिस इज अमेजिंग। और ये आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं अगर कभी पाकिस्तान से। गिफ्टिंग पर्पस के लिए बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बहुत ज्यादा यूज होता है। अच्छा, आज क्या बनाने वाली हैं? आज भी हम किचन बनाएंगे, ठीक है, बट एक डिफरेंट इफेक्ट के साथ। जबरदस्त, बताइए काम स्टार्ट। हम लोग बनाएंगे फ्लावर इफेक्ट के साथ। So yes, let's begin. Keychain, तभी आपको यहाँ पे बनाना सिखा रही हैं रेजिन आर्ट से, जो कि आपने शायद ही कभी देखा हो बनते हुए keychain को रेजिन आर्ट से। ग्लव्स, जैसे कि रबिया ने बताया था कि ये थोड़ा सा ज़रा एहतियात ज़रूरी है, ठीक है। ओके, ग्लव्स पहन ली हैं आपने, ठीक है। वेइंग मशीन, वेइंग स्केल, वेइंग मशीन, वेइंग स्केल ले लिया है। कितना हमें चाहिए? हम लोग 2:1 के रेशो से करते हैं, ठीक है। और ये पहली चीज हम क्या ऐड कर रहे हैं? ये रेजिन है, रेजिन है, ठीक है। नाम इसका रेजिन है, RESIN, यस, एंड इट्स अ लिक्विड। तो हम ये लेंगे 14 grams, ठीक है। 14 grams लेना है। जो लोग बेकिंग करते हैं ना, उन को आसानी से मुझे लगता है ये सीख लेंगे, क्योंकि प्रिसिशन इज रिक्वायर्ड। यस, या तो आई गेस 10 इज इनफ, ठीक है। 10 इन्होंने लिया है, क्योंकि ऑफकोर्स ये करती रहती हैं, तो इनको जो एक एक्सपर्ट होता है वो थोड़ा सा चीज़ें ऊपर नीचे कर सकता है, ठीक है। एंड अब क्या मिक्स कर रहे हैं? ये हार्डनर है, हम लोग ये 5 grams लेंगे, 2:1 का रेशो, ठीक है। 5 grams ये लेंगे, जितना भी वो है उसका हाफ लेंगे, 2:1। और ये उन लोगों को आंसर करने के लिए कि वो रेजन अगर ड्राई होता है तो वो बॉटल में ही क्यों नहीं ड्राई हो जाता? एक तो ये कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दूसरा उसमें हार्डनर नहीं डला हुआ, नहीं मिला हुआ। क्योंकि मैं ये सोच रही थी ये ड्राई कैसे हो जाता है एकदम से। जब तक दोनों का कॉम्पोनेंट मिक्स नहीं होते तब तक ड्राई नहीं होता, ये नहीं आता, ठीक है, सही। अच्छा, इसको मिक्स करने की कोई टिप्स? कोई इसको स्लोली मिक्स किया जाता है, जितना स्लोली करेंगे उतने इसमें बबल्स लेस होते हैं, ठीक है। तो यस, सही, स्लोली मिक्स करना। विंटर्स में थोड़ा ज़्यादा इसका जो है ना लाइक ये लिक्विड ही होता है, अभी थोड़ा सा ग्लू ही हो जाता है, तो इसको और ध्यान से करना पड़ता है फिर। अच्छा, विंटर्स में तो आप कह रही थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, टाइम टेकिंग होता है थोड़ा सा। और ये बाय द वे अगर आप ये सीख लेंगे, इट्स सच अ गुड बिजनेस आइडिया। एक तो क्रिएटिव इतना है, क्रिएटिव बहुत है ये, बिल्कुल, वेरी क्रिएटिव, बिल्कुल। की चेन बनाना, इमेजिन है और आपने वो खुद बनाई है, यस, तो ये खुशी की बात है। अच्छा, अभी इसमें कोई कलर नहीं मिक्स हुआ, अभी इन्होंने जो है वो 10 grams ऑफ रेजिन ऐड किया है इसमें, फिर 5 grams ऑफ इन्होंने हार्डनर यूज़ किया है, फिर इसको मिक्स करेंगे अच्छा सा। और अब इसमें मुझे कुछ यहाँ पे कुछ एक जार में शायद वो कलर है या शिमर है वो दिखाई दे रहा है,
यस गोल्डन फ्लेक्स हैं वो। अब क्या ये क्या है? ये हीट गन है, मैं इसको थोड़ा सा हीट करूँगी ताकि मिक्सिंग में आसानी, ताकि मिक्सिंग में आसानी। ठीक है, ये हीट गन रबिया कहाँ से मिलेगी हमें? ये वैसे तो रेजन आर्ट के पेजेस काफ़ी बने हुए सप्लाईज के। अच्छा, तो वहाँ से इजीली हर चीज़ अवेलेबल है अब तो। अच्छा, ये जो आप हीट गन कह रही हैं, क्या ये वो ब्लो टॉर्च है जो हम बेकिंग में या कुकिंग में? नहीं, वो थोड़ी डिफरेंट होती है, डिफरेंट होती है, उसका फ्लेम ज़्यादा होता है। अच्छा, इसका थोड़ा कम होता है। ठीक है, इसलिए पूछा कि ऐसा ना हो कि ब्लो टॉर्च है तो आप वो इस्तेमाल करने शुरू हो जाएँ। तो ये रेजन आर्ट वाली ही जो है वो कोई हीट गन है? यस, वो भी यूज़ होती हैं बट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स में होती हैं फिर वो। ठीक है, सही। ठीक है, ये मिक्स हो गया है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसमें से निकाल लूँगी। अच्छा, ये मोल्ड्स भी यहाँ पे देख लें किचन के, इनके पास मोल्ड्स हैं, डिफरेंट शेप्स हैं। इट्स अ रिंग, सर्कल है, और ये जो मोल्ड्स हैं अरबिया, ये रेजन आर्ट के ही किचन के मोल्ड्स हैं बेसिकली, है ना? यस, किचन के। ठीक है, सही। इस प्रोसेस को रबिया ने पहले भी बताया था कि क्रॉस वेंटिलेशन के साथ करना चाहिए आइडियली। सही, और इसमें मास्क और भी होता है पहनने का? मास्क तो बाय द वे अभी दोबारा आप लोग लगाना शुरू कर दें, क्योंकि एक जो वेरिएंट है जो वो चाइना वाला एक नया किस्म का, एक तो नाम इतने हैं कि मैं भूल जाती हूँ। सो वो जो है वो कराची में पहला केस हमने देखा है। अच्छा, सो बैक टू मास्क भाई। यस, तो पहले हम क्लियर रेजन डालेंगे। अच्छा, अभी कोई कलर इन्होंने मिक्स इसमें नहीं किया? ठीक है, ठीक है। साइड्स तक वो इसको इवनली स्प्रेड करें। हाँ, इवनली। ठीक है, सही। अब मैं वाइट पिगमेंट ले रही हूँ। ये हम देखते हैं कि कलर की उसकी पाउडर की फॉर्म में है, लिक्विड लिक्विड है, लिक्विड है। इतना सा लिक्विड उन्होंने लिया है, और दिस इज वेरी पिगमेंटेड। हां, वेरी पिगमेंटेड। ये भी आपको मिल जाता है रेजन आर्ट की ही शॉप से? यस, बिल्कुल, आसानी से हर चीज अब तो। रेजन आर्ट का कलर अलग होता है, कोई और कलर नहीं मिक्स कर सकते। एक्रेलिक पेंट्स भी यूज होते हैं और रेजन के अलग पिगमेंट्स होते हैं, अलग भी होते हैं। ठीक है, सही। ठीक है, गोल्ड फ्लेक्स हैं ये। ठीक है, आई एम गोना ऐड दिस सेंटर में। ओके, गोल्ड फ्लेक्स ये ऐड कर रही हैं वो, जस्ट लाइक अ फ्लावर के सेंटर वाला पार्ट। ठीक है, वैसे कर रहे हैं। ठीक है, बीच में इन्होंने ऐड कर दिया एक फ्लेक को लेके, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। देखिए, सब में आप यहाँ पे फ्लेक्स देख सकते हैं, कहीं ना कहीं जो है ना वो ये फ्लेक्स आपको यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे दिखाई देंगे। अब जितने बबल्स ऊपर पॉपअप हो गए थे वो मैंने सारे ब्लू डॉट से कर दिए। ठीक है, ठीक है। अब हम अल्कोहल इंक लेंगे। ठीक है, ये देखते हैं इसका कलर, इसका इफेक्ट बहुत बहुत अच्छा आता है। लेट्स सी, ये देखें, एक ड्रॉप डालेंगे। ठीक है, लाइक ड्रॉप वाइज जाएगा। कोई मिक्सिंग नहीं रिक्वायर्ड, आप देख रहे हैं, लुक एट दिस, डार्क एंड देन लाइट। ये खुद ही स्प्रेड होते हैं और बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इसका। वाओ, रबिया, इसको अगर मैंने अभी नहीं देखा होता आपको गले में, तो मुझे लगता है कि आपने बनाया है ये सारी। अच्छा, यस, इसका इफेक्ट बहुत बहुत अच्छा सा होता है। सो नाइस। अब ये वाइट पिगमेंट है। हाँ, ठीक है, इससे हम फ्लावर करेंगे अंदर, ताकि ये खुद ही बॉटम में जाके खुद ही से स्प्रेड होगा। ठीक है, क्या बताया रबिया ने, मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर आपको भी आएगा, अब देख के समझेंगे हम। अच्छा, ये कुछ होने वाला है यहाँ पे। वाओ, ये हाथ से रबिया फ्लावर की शेप से एक फ्लावर की शेप में उसको रिपीट कर रही हैं, रिपीट कर रही हैं। अब ये बॉटम में जाके खुद ही सेट होगा और जस्ट लाइक रियल फ्लावर का इफेक्ट आ जाएगा। वाओ, अच्छा अब समझ आई ना बात के, जब ऊपर आ गया वही जो है वो बॉटम में जाके सेट होगा। वाह, जबरदस्त।
अच्छा रबिया, इसको सेट होने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स इसको चाहिए. ठीक है ठीक है. अच्छा, सो वंस लेट्स इमेजिन कि 24 आवर्स हो गए, उसके बाद फिर आप इसको निकालेंगी कैसे? जिस तरह से मोल्ड से हम जस्ट पॉप आउट करूंगी मैं नीचे से करके. ठीक है, और ये आसानी से फिर निकल आएगा सिलिकॉन से. फिर उसके बाद जो इसका ये होल की जगह है इसका, राइट? यस, ये किचन होल है. किचन होल है, और किचन होल में फिर ये वाला जो पार्ट लगेगा यहाँ पे हम देखते हैं, ये आपको कहाँ से, कोई स्टेशनरी शॉप से मिल जाएगा? नहीं नहीं ना, ये सब रेजन सप्लाईज के जो पेजेस हैं वहीं से ही होगा. ठीक है, रेजन सप्लाई के कोई ऐसे पेजेस बता सकती हैं हमारी ऑडियंस के जो आप फॉलो करती हूँ? बहुत सारे हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है. 3-4 अगर बता दें, क्योंकि देखिए हमारी पता है शो का मकसद ही होता है कि अगर अभी कोई देख रहा है, किसी का दिल चाह रहा है, वो कहे कि जी इसी वक्त मैं किसी पेज पे जाऊंगा, जरूरी कोई बात भी याद नहीं होते. नाम याद नहीं होते, ओके चले सही है, कोई बात नहीं. आप रेजन आर्ट के होते हैं, हाँ, किसी ग्रुप पे पूछ सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मुझे अगर कोई देखेंगे तो वो मैं आपको बता दूंगी. एंड इस कॉम्बिनेशन को देखें, वाइट ब्लू गोल्ड, इतना प्यारा ये कॉम्बिनेशन है. और रबिया ये क्या चीज़ है जो मरून वाली है? ये वेलवेट इफेक्ट है कोस्टर पे. ओफ, ये कोस्टर की शेप डिफरेंट है. और ये वेलवेट इफेक्ट किस तरह से आया? ये बहुत टेक्निक यूज़ की थी, तो कॉम्प्लिकेटेड है, बिगनर्स के लिए नहीं है. जब आप लोग सीख जाएंगे फिर हम ये एडवांस लेवल लेके आएंगे आपके लिए. ठीक है. अच्छा, और ये वाली चीज़ हम देखना चाहते हैं यहाँ पर, इट्स ऑल्सो अ ट्रे जिसपे यहाँ पे रेजिन आर्ट हुआ है. हाँ, बॉक्स है ये. और रिप्लेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. आज इन्होंने बनाने सिखाई है हमें ये एक्रेलिक रेजिन आर्ट से बनी हुई जो है वो की चेन. आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा.